नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौर एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोर्ट केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है, उसके बाद कई दर्शकों के मैसेज आए, उन्होंने जानना चाहा कि सर सिविल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। ये वीडियो खासकर उन्हीं दर्शकों के लिए है जो यह जानना चाहते हैं कि सिविल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। आइए जानते हैं, सिविल केस में कोई भी व्यक्ति आप पर संपत्ति या फिर दूसरी किसी चीज को लेकर सिविल केस करता है, ऐसे में आप यह जान लें कि सिविल केस में कोई भी सजा नहीं होती है, और अगर कोई फाइन भी होता है तो वो भी आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं डालता। एक तरीके से कहें तो सिविल केस का सरकारी नौकरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, बजाय इसके कि आपको कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और वो आपने नहीं माना। जैसे कि कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि आप अपनी दीवार को रास्ते से पीछे ले लें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और दूसरी पार्टी ने आप पर एक्सक्यूशन डाल दे और फिर भी कोर्ट की बात आप ना मानो और आपको जेल भेज दिया जाए, तो वो जेल जाना आपको सरकारी नौकरी से सस्पेंड करवा देगा, क्योंकि ये सजा आपको दंड के रूप में होगी। सो फ्रेंड्स, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स।